हाय हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप दोस्तों? मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको हर हफ्ते नए नए वीडियो लाते रहूँगा आपके लिए, जो यूज़फुल होगा। इस बार भी मैं आपके लिए कुछ नया लाया हूँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका समय वेस्ट नहीं करता हूँ मैं। आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जो आपको शायद नहीं पता होगी, ठीक है? इसका नाम है गूगल कॉन्टैक्ट। अगर आप में से किसी एक को किसी भी को भी पता है, सो वेल एंड गुड। बट कुछ दोस्तों को, कुछ हमारे फ्रेंड्स को ये बात नहीं पता है कि आप अपने अकाउंट्स में, अपने गूगल अकाउंट्स में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, चाहे वो आपके मोबाइल के हो या सिम कार्ड के हो, उसे सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। सिंक्रोनाइज मतलब उसे बैकअप कर सकते हैं, ठीक है? इस ट्रिक में मैं आपको आपके वही सारे कॉन्टैक्ट्स किस तरीके से पा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। उसमें आपको जाना पड़ेगा google.com। google.com में आप जाते ही आपको सर्च करना पड़ेगा गूगल कॉन्टैक्ट्स। अब गूगल कॉन्टैक्ट्स है क्या? गूगल कॉन्टैक्ट्स गूगल का ही एक फीचर है, जिसमें आपको आपके अकाउंट में, आपके ईमेल आईडी में आपके सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स, सारे मोबाइल नंबर, सारे ईमेल आईडी जो है गूगल कॉन्टैक्ट्स में ऐड होते रहेंगे। ये आप अपने मोबाइल फ़ोन में सेटअप कर सकते हैं। उसे मैं आपको अपने कुछ कुछ ही मिनटों में अब आपको बताऊंगा किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन में आपका अकाउंट सिंक्रोनाइज कर सकते हैं गूगल कॉन्टैक्ट से। तो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, मैं अपना अकाउंट लॉगिन करता हूँ, आप मेरे अकाउंट में चेक कर सकते हैं सारे के सारे नंबर्स अलॉन्ग विद दी मेल आईडी, मतलब सारे अकाउंट्स जो है मैंने पर्सनली कभी ऐड नहीं किए, बल्कि ये ऐड होते गए गूगल अकाउंट से। केवल मेरे मोबाइल फ़ोन में ये फीचर अवेलेबल है, ये सभी एंड्रॉयड फ़ोन में अवेलेबल है। ये आपको केवल आपको सेटअप करना है, सिंक्रनाइज ऑप्शन यस करना है, ठीक है? वो आपको मैं कुछ ही मिनटों में बताऊंगा। तो आपको मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। ये मैंने गूगल कॉन्टैक्ट पे क्लिक करते ही ये मेरा अकाउंट मुझे मेरा मेल आईडी पूछ रहा है, तो मैं अपना मेल आईडी लॉगिन करता हूँ। नाउ मुझे मेरा पासवर्ड डालना है। आप देख रहे हैं मेरे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स मैं चेक कर रहा हूँ, अवेलेबल है अलॉन्ग विद दी मोबाइल नंबर एंड मेल आईडी। इसका मतलब यह है कि मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे गूगल सर्वर से कनेक्टेड है। मतलब इन फ्यूचर में मुझे कोई भी कॉन्टैक्ट्स चाहिए तो मैं अपने ब्राउज़र से ले सकता हूँ, अपने गूगल इंटरनेट में लॉग इन करके ले सकता हूँ। आपको आपके मोबाइल में, अगर आपके पास सिम कार्ड नहीं है, तो भी आप कहीं से भी आपके गूगल सर्वर से कनेक्ट होके आप ये फीचर से आप कोई कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं, ठीक है? ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिखाया है। अपने अपने इस नेक्स्ट वीडियो में, अपने वीडियो में आपको बताऊंगा किस तरीके से गूगल अकाउंट में आपका अकाउंट सिंक्रनाइज कर सकते हैं। दोस्तों, आइए मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप अपने मोबाइल में जो है आपका सारे कॉन्टैक्ट, आपके सारे मेल आईडीज जो आपके मोबाइल में सेव है, किस तरीके से आप उसे गूगल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाएंगे, देखिए मैं मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ जो है सैमसंग का नोट 4 मोबाइल यूज़ कर रहा हूँ। हर एक फ़ोन का जो है अपना अलग सेटिंग्स होता है। मैं अपने मोबाइल में ये सेटिंग्स कैसे करते हैं आपको बता देता हूँ। आपको क्या है, नॉर्मली आपके गूगल अकाउंट में जाना पड़ेगा, सिंक्रनाइज बैकअप एंड सिंक्रनाइज में आके वहाँ से आपको आपका अकाउंट सेलेक्ट करना पड़ेगा कौन सा अकाउंट में आपको बैकअप करना है। तो मैं इसमें अब जाता हूँ अकाउंट्स में। अकाउंट में जाने पर मुझे ऑप्शन देगा गूगल, देखिए आप चेक कर रहे हैं गूगल, गूगल पर क्लिक किया मैंने। मुझे मेल आईडी जो है अवेलेबल है मेरे मोबाइल में वो बता रहा है, तो मुझे कोई एक मेल आईडी सेलेक्ट करना है जिससे मुझे सिंक्रनाइज करना है। मैं सेलेक्ट कर लिया और सिंक्रनाइज कॉन्टैक्ट पर क्लिक करना है। सिंक्रनाइज कॉन्टैक्ट पर क्लिक करते ही ये रिफ्रेश ले लेगा। अभी ये रिफ्रेश होते ही आपको जो अपडेट बता देगा कि आपका ये आपका जो है
कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज हो गया है। अभी सिंक्रोनाइज हो गया मतलब आपके से कॉन्टैक्ट सिंक्रोनाइज हो गया। ये बाय डिफॉल्ट अगर ऑप्शन ये ऑन है, अगर ऑप्शन ऑन है तो आपको उसे मैनुअली करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ऑन नहीं है तो आप इसे सिंक्रोनाइज करके आप अपने सारे कॉन्टैक्ट्स, आपके सारे मेल आईडी, सारे सारी डिटेल्स है आपके गूगल सर्वर से कनेक्ट कर सकते हैं, गूगल सर्वर में ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी कॉन्टैक्ट अगर आप चाहते हैं तो आपको मोबाइल फोन ना होने के बाद भी आप अपने ब्राउजर्स में लॉग इन करके, आपके मेल आईडी पर लॉग इन करके गूगल कॉन्टैक्ट में जाकर सारे के सारे नंबर आप चेक कर सकते हैं। तो चलते हैं दोबारा ब्राउजर पे, तो चलते हैं दोबारा आप हमारे गूगल क्रोम के ब्राउजर पे। तो देखा आपने, इस तरीके से आप अपना मोबाइल जो है गूगल सर्वर से कनेक्ट करके आपके सारे कॉन्टैक्ट, सारे ईमेल आईडीज, सारे पर्सनल डिटेल्स आप अपने गूगल सर्वर से कनेक्ट करके उसे बैकअप करके गूगल कॉन्टैक्ट में ऐड कर सकते हैं। इन फ्यूचर अगर आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है तो आप ये डाटा, ये सारे कॉन्टैक्ट आगे ब्राउज़र से ले सकते हैं। आपको केवल आपका अकाउंट लॉग इन करना पड़ेगा। आप लॉग इन करके सारे अकाउंट्स, सारे कॉन्टैक्ट नंबर आप चेक करें, सारे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं सारे के सारे कॉन्टैक्ट नंबर मेरे गूगल कॉन्टैक्ट में अवेलेबल है। और सबसे बड़ी, सबसे अच्छी बात यह है कि आपको अब केवल लॉग आउट करना है। अगर आप लॉग आउट, आप गूगल अकाउंट, जीमेल अकाउंट साइन आउट करते हैं तो सारे कॉन्टैक्ट ये कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। इसके लिए आपका मेल आईडी होना ज़रूरी है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ 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 आप कमेंट्स ज़रूर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा मिलते हैं नए ट्रिक्स, नए टिप्स एंड ट्रिक के साथ। बाय।